सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भले 96 रनों की पारी खेली हो, लेकिन राहुल तेवतिया ने आखिरी दो गेंदों पर लगातार छक्के जड़कर पूरी महफिल लूट ली। जब गुजरात को दो गेंदों पर जीत के लिए 12 रन की दरकार थी, तब तेवतिया ने ओडिन स्मिथ के ओवर की पांचवी और छठी गेंद पर सिक्स जड़कर गुजरात को रोमांचक जीत दिला दी। गुजरात टाइटंस की आईपीएल के 15वें सीजन में ये लगातार तीसरी जीत है। इसके साथ ही तेवतिया महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान रविंद्र जडेजा के खास क्लब में शामिल हो गए। राहुल तेवतिया से पहले आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा मैच के आखिरी ओवर की आखिरी दो गेंदों पर सिक्स जड़कर अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं। धोनी ने साल 2016 में पंजाब किंग्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने तब आईपीएल के 53वें मुकाबले में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स की ओर से खेलते हुए अक्षर पटेल के ओवर में ये कारनामा किया था। उस मुकाबले में धोनी ने 32 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली थी। धोनी को इस मैच विनिंग पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने अपनी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2020 में यही काम किया था। जडेजा ने तब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी दो गेंदों पर छक्के जड़कर सीएसके को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा ने केकेआर के तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी के खिलाफ ये उपलब्धि अपने नाम की थी। जडेजा ने उस मुकाबले में 11 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए थे। मैच की अगर बात करें तो पंजाब ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 9 विकेट पर 179 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने 35, जबकि 9वें नंबर के बल्लेबाज राहुल चहर ने 14 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाए। 11वें नंबर के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। गुजरात की ओर राशिद खान सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के लिए शुभमन गिल ने 59 गेंदों पर 96 रन की पारी खेली, जबकि राहुल तेवतिया 3 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद लौटे।